नमस्ते, मैं विकास दीप पांडे परफेक्ट एकेडमी के परिवार की तरफ से तुम सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। जैसा कि तुम्हें पता है, पॉलिटी आसान है ये सीरीज चल रही है और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो के साथ और आपके सामने आ गया हूं। चाय भी पी रहा हूं, चाय का भी पूरा का पूरा मजा ले रहा हूं और पॉलिटी तुम्हें ऐसे बताऊंगा जैसे कोई बता ही नहीं सकता, यानी बहुत ही ज्यादा बहुत ही आसान भाषा में। तीन शब्द मैंने लिखा है और तीन धर्म के बारे में मैंने लिखा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। आपको पता है क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस आर्टिकल के द्वारा इन तीनों धर्मों को हिंदू धर्म के अंदर ही मान्यता दी गई है, ये क्वेश्चन आ सकता है पहला। दूसरा क्वेश्चन सुन लो, सिख धर्म को जो कृपाण रखने की छूट है, कृपाण आपको पता है कि छोटा सा चाकू की तरह होता है, जो लोग क्या कहते हैं उन निहंग सिख शायद उनको कहते हैं, जो ब्लू कलर की पूरी ड्रेस को पहनते हैं, वो एक अपने साथ अपने कृपाण भी रखते हैं। तो आखिर किस फंडामेंटल राइट के द्वारा सिख धर्म के लोग कृपाण को कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो उसका भी आर्टिकल है आर्टिकल 25। क्लियर है सारी की सारी चीजें? अब पहले पूरी की पूरी कहानी समझ लो, फिर तुम्हें मैं इन सब के बारे में बताऊंगा। तुम्हें पता है फंडामेंटल राइट में ये 6 प्रकार के अधिकार हैं, राइट टू इक्वलिटी, यानी 14 से लेकर 18 तक बहुत अच्छे से पीछे वीडियो में समझा चुका हूं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से कहां तक, 19 से 22 तक, ये भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24, ये भी बहुत अच्छे से बता चुका हूं। और धार्मिक स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आज नंबर वा इसी का है और इसकी भी कहानी बहुत आसानी से और बहुत प्यार से तुम्हें समझा दूंगा। क्लियर है ना? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन में जो आर्टिकल आएगा बाबू, वो आर्टिकल आएगा आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और एक लास्ट वाला आर्टिकल 28। यानी चार हम लोग आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मतलब हमारे साथ भैया हमें ये फ्री है, मतलब हम मुक्त हैं किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए, यही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? आगे चलते हैं और एक एक आर्टिकल को देखते हैं कि आखिर क्या है चक्कर भैया। पहला चक्कर ये जान लो, आर्टिकल 25 पहले पढ़ लो, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया हूं, जिसमें मन है उसमें पढ़ लो। फ्रीडम ऑफ कॉन्सिक्वेंस एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, हिंदी में पढ़ लो। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, दो जगह अपनाने हो गया है। आसान भाषा में समझो है क्या, ये किताबी लैंग्वेज है, ये रटना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, और समझा मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि मैं जब समझा दूंगा ये अपने आप बहुत आसानी से याद हो जाएगा। यानी आर्टिकल 25 ये कहता है आप फ्री हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए और किसी भी धर्म का भैया प्रचार करने के लिए। क्लियर है सारी की सारी चीजें? आर्टिकल 25 यही कह रहा है कि आप, मतलब राज्य की तरफ से राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ऐसे हमारा देश सेकुलर है, हम पंथ निरपेक्ष है। हम पंथ निरपेक्ष क्यों है? क्योंकि पहली बात तो हमारे प्रियम्बल में ही लिखा है कि भैया हम पंथ निरपेक्ष है, और पंथ निरपेक्ष प्रियम्बल में लिखा कब गया है ये बता दो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर हमारे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष यानी हम सेकुलर हैं, ये लिखा कब गया है? आप लोग जवाब देना, लेकिन मैं ही जवाब दे रहा हूं, आप लोग क्या जवाब दे दोगे? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारे क्या कहते हैं प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया, जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर का मतलब क्या हुआ? सेकुलर का मतलब ये हुआ कि राज्य में, आपको पता है आर्टिकल 12 में मैंने तुमको बहुत अच्छे से समझाया कि राज्य में होगा क्या, देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, कोई लोकल बॉडी भी हो सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सरकार के द्वारा समर्थित है, सब कुछ हो सकता है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। जैसे आपको पता है कि बीच में एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता क्योंकि भारत देश ने कभी भी किसी धर्म को लेकर के ये मान्यता नहीं दी गई कि भारत का ये धर्म होगा, क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सेकुलर है। भारत सभी लोगों से ये कह दिया कि भैया धर्म का ये जो मुद्दा है वो आपका मुद्दा है, आप जो मन है जिस धर्म में आपको विश्वास है उस धर्म को आप अपनाइए, उसकी पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, इसमें राज्य का कोई भी मतलब नहीं है। और सेकुलर का मतलब यही हो गया कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? और इसी के तहत आर्टिकल 25 में क्या बोला गया है, फिर से सुन लो, कि हम फ्री हैं अपने अंतःकरण से, अपने मन से हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को स्वीकार करें, किसी भी धर्म के मत में विश्वास करें और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करें। और इसको रखा, और यही पूरा का पूरा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 25। और आर्टिकल 25 में ही
हिंदू धर्म के अंतर्गत ध्यान से सुनना, बौद्ध जैन और सिख को रखा गया है और आर्टिकल 25 में ही सिख धर्म को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने साथ कृपाण को रख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 25 में किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है वो स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है। अभी फिलहाल तुम आर्टिकल 25 के बारे में जानो। आर्टिकल 25 ये कह दिया कि भैया किसी भी धर्म को मानो, तो फिर उसके बाद आर्टिकल 26, 27, 28 तुरंत अपने आप समझ जाओगे। आर्टिकल 26 क्या कहता है, अगर आप किसी धर्म को मान रहे हो तो आर्टिकल 26 के द्वारा, आर्टिकल 25 में आप किसी धर्म को मान रहे हो, क्लियर है ना। आर्टिकल 26 में ये लिखा है कि अगर आप किसी धर्म को मान रहे हैं तो आप उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, या आपको लगता है कि नहीं उसके लिए मंदिर मस्जिद का निर्माण करना चाहिए, तो आप अपने धर्म, मतलब आप फ्री हैं, आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप मंदिर मस्जिद वगैरह का क्या कर सकते हैं, निर्माण करवा सकते हैं। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, आप मंदिर बनवा करके अपने धार्मिक मामलों को मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप मस्जिद बना करके अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप किसी सोसाइटी या ट्रस्ट बना करके अपने धार्मिक मामलों का क्या कहते हैं मैनेजमेंट कर रहे हैं, राज्य इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी। यानी आर्टिकल 25 आप धर्म को मान रहे हो, आर्टिकल 26 आप अपने धर्म को मैनेज कर रहे हो, क्लियर है सारी की सारी चीजें। 25 धर्म को मानना, 26 धर्म को मैनेज करना, 27 क्या है, 27 ये कह रहा है कि राज्य किसी भी धर्म के ऊपर टैक्स नहीं लेगा। जैसे अगर हो गया है, तुम खुद दिमाग लगाना, भारत सरकार ये कह दे कि जितने भी हिंदू हैं वो बहुत, मतलब जितने भी हिंदू मंदिर हैं वो बहुत अधिक टैक्स देंगे, और जितने भी मुस्लिम क्या कहते हैं मस्जिद वगैरह ये या जो क्या कहते हैं मदरसा वगैरह चला है उन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया। हालांकि तुम कहोगे सर मंदिरों से तो टैक्स लिया जाता है, वो एक अलग कानून है, उसकी बात आप हटा दो। कहने का ये मतलब है आर्टिकल 27 ये कह रहा है कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म से, मेरी बात ध्यान से सुना, किसी भी धर्म से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 27 में देखो लिखा होगा, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में इसको आर्टिकल 27 को फल, आर्टिकल 27 को इंग्लिश में पढ़ लो, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियन, क्लियर है सारी की सारी चीजें। आप अगर किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में जाहिर सी बात है पैसा खर्च होगा, तो सरकार आपसे धर्म के प्रचार के नाम पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेगी। क्योंकि अगर मान लो सरकार किसी एक पे टैक्स लेने लगे और दूसरे पे टैक्स ना ले, तो जाहिर सी बात है जिस पे सरकार टैक्स लेगी वो लोग सारे के सारे सोचेंगे, अरे यार हम लोग इस धर्म के हैं, हमें टैक्स देना पड़ रहा है, एक काम करते हैं ये धर्म वहां छोड़ करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं भैया पैसा बचाने के लिए। तो एक बात बताओ, आप पैसा बचाने के लिए दूसरे धर्म में चले गए हैं, और खुद दिमाग लगाना आर्टिकल 25 क्या कहते हैं। 25 ये कह रहा है अपने मन से आप किसी भी धर्म को स्वीकार करो, और आर्टिकल 27 में आपके अपने मन वाले की क्या हो रही है, हानि हो रही है, इसीलिए सरकार ने ये कह दिया है कि धर्म पे कोई टैक्स में नहीं लेना है, क्लियर है सारी की सारी चीजें। फिर से समझो, आर्टिकल 25 जो मन करेगा वो धर्म मानेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, 26 अपने धर्म को मैनेज करेंगे, 27 कोई भी टैक्स राज्य सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा धर्म के मामले में नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 क्या है, 28 समझो, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। कहने का ये मतलब है कि सरकार, अब ध्यान से सुना आर्टिकल 28 बहुत ध्यान से आपको समझना है, सरकार द्वारा समर्थित यानी ऐसा मतलब इंस्टीट्यूशन या संस्थान जो सरकार के द्वारा मतलब चल रहा है, सरकारी पैसा दे रहा है उसको चला रही है या सरकारी है ही, वहां पे तो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा तो दी ही नहीं जा सकती। जो इंस्टीट्यूशन सरकार चला रही है वहां पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा, क्योंकि सरकार का तो कोई धर्म नहीं, सरकार तो सेकुलर है, तो सरकार के द्वारा समर्थित किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा मतलब आपके ऊपर फोर्स करके नहीं, नहीं आपको मानना है आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट जो सरकार के द्वारा समर्थित है और लेकिन कुछ अपना व्यक्तिगत यानी प्राइवेट भी हैं, वो सामने वाले मतलब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो मैं किसी विद्यालय में पढ़ रहा हूँ और वो कॉन्वेंट स्कूल है, जाहिर सी बात है कॉन्वेंट स्कूल है तो वो क्रिश्चियन मतलब पद्धति को मानता होगा, क्योंकि वो जो क्रॉस वाले उनके भगवान होते हैं ईसा को मानते हैं, तो वो मुझे ईसा की शिक्षा देंगे, लेकिन ये मेरे ऊपर है, मुझसे मेरे ऊपर बाउंड नहीं है उनकी शिक्षा, मेरे ऊपर है कि मैं उनकी शिक्षा को मानूं या ना मानूं, सिंपल सी बात है। तो मेरे अभिभावक से पूछा जाएगा कि भैया क्या इनको शिक्षा चाहिए या नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। कुल मिलाकर के आर्टिकल 28 ये कह रहा है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है, मतलब कुछ जो इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह होते हैं वो अपने
मतलब जो जिस रिलीजन में वो विश्वास कर रहे हैं उसको वो फैला सकते हैं, लेकिन बाउंडेशन नहीं, नहीं नहीं फैलाना ही फैलाना है। क्लियर है सारी की सारी चीजें? बहुत आसान, फिर से सुन लो, इधर की सारी चीजें जो इंग्लिश में लिखा है उसको देख लेना। 25 किसी धर्म को मानो, 26 मैनेजमेंट करो, 27 कोई टैक्स नहीं, 28 भैया जो सरकार के द्वारा समर्थित है वहां पे तो कुछ मतलब हो ही नहीं सकता, लेकिन जो सरकार के द्वारा समर्थित प्लस प्राइवेट भी हैं वो अपने यहाँ पे क्या कहते हैं धार्मिक शिक्षा की उनके उनके पास क्या है, स्वतंत्रता थोड़ी सी है। क्लियर है ना? धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। तो मैंने आपको आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 28 तक सारी की सारी चीजों को बता दिया। कल नंबर आएगा किसका, सुन लो, मतलब अगली वीडियो में किसका नंबर आने वाला है, ध्यान से सुनना। अगली वीडियो में नंबर आने वाला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। क्लियर है सारी की सारी चीजें? बने रहो, पॉलिटिक्स से ऐसा नहीं हो सकती, विश्वास मानो, सारी की सारी चीजें बहुत आसान भाषा में हम लोग सब कुछ समझ लेंगे। चलो, अपना ख्याल रखो, धन्यवाद।